तो देखिए बच्चों, आज हम करेंगे एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किया है। इसको सॉल्व करेंगे, आप मेरे साथ देखते रहिए, उसके बाद आपने मुझे खुद करके इसको दिखाना है, ठीक है? एक बार ये प्रैक्टिस सेट है राजीव नवोदय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए, और जो बच्चे हिमज्योति का एग्जाम देंगे उनके लिए भी बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि हिमज्योति और उसमें जो इस प्रैक्टिस सेट में मैं आज तीन चीजें बताने वाला हूँ। एक मैथ्स के प्रश्न मैंने कलेक्ट किए हैं, एक भाषा के हिंदी के, और एक जीके के। तो तीनों में जीके भी आती है, दोनों एग्जाम में जीके भी आती है, हिंदी भी आती है, और मैथ्स भी इसी लेवल की आती है, ठीक है? तो ध्यान से देखिए। देखो पहला प्रश्न है, 7, 0, 8, 9 तथा 2 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा बड़ी से बड़ी संख्या का योग बताइए। तो अच्छा, छोटी से छोटी संख्या कैसे बनाते हैं, पहले क्या लिखते हैं? सबसे छोटा अंक क्या लिखेंगे? 0 क्यों नहीं लिखेंगे? अगर हम 0 पहले लिखेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, इसलिए 0 से बड़ा 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? 0। उसके बाद 2 से बड़ा क्या है? 7 है। 7 तब है 8, तब है 9, तो बन गए 5 अंक। और सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे बड़ा क्या? 9, 8, 7, 0। 0 2 नहीं लिखेंगे, याद रखना, या 0 सबसे छोटा है तो सबसे लास्ट में। तो योग बताना, योग का मतलब जोड़ना, तो जोड़ो इसको, 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, 7 और 7 14, 1 15 का 5, हासिल 1, 8 और 1 9, 2 11। तो ये हो गया 1,19,509, 1,19,509, ठीक है? 1.98 में कितना जोड़ा जाए कि मान 2 हो जाएगा। देखो इसमें कितना हम ऐड करें, अब क्योंकि अगर ये सवाल ऐसा समझ में नहीं आता है तो हम दूसरा सवाल बनाएंगे अपने मन में। 5 में हम कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, बताओ? 2। कैसे पता किया? 7 में से 5 घटाया तो 2 आया, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 में से इसको घटा देंगे। लेकिन यह घटाना थोड़ा कठिन है, दशमलव वाला है, तो लेकिन डरना नहीं है, इसके नीचे एक पूरा है, 10.98 यहाँ आगे लिखना है, या ऊपर 10.9 नहीं तो अपने आप 10.9 लगाओ, 0 0 तो तब घटा। अब यहाँ देखो, यहाँ जैसे 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ 9 ही बचा, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ भी 1 में से 1 गया 0, केवल 0.02। क्योंकि देखो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि 1.98 किन दो संख्याओं के बीच आता है, तो ये जो है 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, 1 और 2 के बीच आता है, ये प्रश्न याद रखना। एक वर्ग की भुजा और उसके परिमाप का अनुपात, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्ग की भुजा और परिमाप का अनुपात, एक वर्ग है तो मान इसकी भुजा 1 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा चारों तरफ का? 1 घन 1 घन 1 घन 1 होगा, तो 4 होगा, तो इसका अनुपात क्या हो गया? 1:4 होगा, हो गया कि नहीं हुआ? तो वर्ग की भुजा का 1 है तो परिमाप 4 होता, तो इसका जो अनुपात होता है 1:4। अगला प्रश्न है, 1 मीटर का 20 सेंटीमीटर के साथ क्या अनुपात होगा? तो देखो 1 मीटर है और अनुपात 20 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कुछ भी चाहे हम भिन्न में लिखें, चाहे अनुपात में लिखें, चाहे तो यूनिट एक ही होनी चाहिए, मतलब यहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर है, तो मीटर का भी क्या करेंगे हम? तो 1 मीटर में आपको पता है कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 100:20 हो जाएगा भाई। लेकिन अनुपात हमेशा छोटा सा छोटा होता है, इसको काटना पड़ता है, तो काटने के लिए हम क्या करते हैं, इसको भिन्न के रूप में लिख देते हैं ताकि छोटा बना, 100/20। तो देखो 1 0 कटा 1 0 कटा, अब 2 से, हाँ तो क्योंकि यहाँ पहले 100 है तो हमें यहाँ पहले 100 का ही लिखना पड़ेगा, 5 और अनुपात 1। तो देखो कितना अच्छा प्रश्न था। 9 मीटर कपड़े से 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर के कितने पीस काटे जा सकते हैं? देखो थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। 9 मीटर कपड़े से 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर के पीस काटने हैं, तो इसका मतलब 9 मीटर में हमने भाग देना है 1, इसका भी मीटर बनाएंगे तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर में 1.5 मीटर होते हैं भाई, क्योंकि पहले या तो दोनों का सेंटीमीटर बना दो, ये भी सरल है, ठीक है ना? तो सबका सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, अगर ये आपको कठिन लग रहा है तो 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं?
900 एक मीटर में 100 तो 9 मीटर में 900। अब यहाँ देखो एक मीटर में होंगे 100 जी। अब 50 सेंटीमीटर और है तो इसमें 50 और कितने जी 150, यानी 900 में 150 का भाग देना है। तो सरल हुआ कि नहीं है? आप भाग दो चाहे इसको भिन्न के रूप में भी काट सकते हैं और सरल हो जाता है। 150 भाग देना का मतलब भिन्न के रूप में भी हम भाग दे सकते हैं, जिसमें हमने भाग देना है उसको अंश में लिखना है, जिससे भाग देना उसको हर में। अब क्योंकि इसमें देखो जीरो से जीरो कट गया, अब 15 कम 15 अब 15 छक्का इसका मतलब हम 6 टुकड़े 6 पीस काट सकते हैं। अब अगला देखिए, 48,541 को निकटतम हजार कर, 232 को निकटतम सैकड़ा कर गुणनफल। आपने गुणनफल बताना है, पहले इसका निकटतम हजार करना है जी। तो देखो निकटतम हजार करने के लिए मैंने क्या बताया, बहुत सरल तरीका मैंने बताया था कि हजार में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो। तो हम क्या करते हैं 3 जीरो बना देते हैं जी। तो एक का जीरो बना, 4 का 0 बना और 5 का 0। अब जो लास्ट में जिसका 0 बनाता है अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 8 रहेगा कि 9? तो 9 हो जाएगा 4, यानी 48,541 का बन गया 49,000। अब इसको बदलना है निकटतम सैकड़ा में, तो ये 232 है, तो यहाँ सैकड़े में कितने जीरो होते हैं, सैकड़ा मतलब 100, तो 100 में 2 जीरो, इसका मतलब इन दोनों का 0 बनाना पड़ेगा। तो 2 का बना 0, 3 का बना 0। अब ये देखो 3 5 से छोटा है तो यहाँ पे 2 ही रहेगा कि 3 हो जाएगा, 2 ही रहेगा, तो इसका मतलब 200 हो गया। अब इनका क्या करना है, गुणनफल बताना। तो गुणनफल का मतलब हमने 49,000 को 200 से गुणा करना है। तो गुणा करने का जैसे क्या करेंगे, हम सीधा 2 से गुणा करेंगे, 2 9 2 9 18 का 8, आसन 1 2 6 8 अरे 9। अब देखो 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, 1 2 3 4 5 98 लाख हो गया जी। तो ये देखो ये गलत, इसमें उत्तर गलत है। देखो एक बार फिर से देखो, यहाँ तो 49 हो रहा है ना जी, यहाँ 200 ही हो रहा है, तो 49 2 98 ही होता है जी, जी। तो इसमें उत्तर नहीं है, तो इसको यहाँ पे गलत में प्रिंट हो रखा है, 98 होना चाहिए, इसको 98 लाख ही उत्तर होगा जी। 90 सेंटीमीटर 1.5 मीटर का कितने प्रतिशत होगा, तो हम क्या करते हैं 90 सेंटीमीटर ऊपर सेंटीमीटर लिख दो, 1.5 मीटर नीचे। अब 1.5 मीटर कितना होता है, 1.5 मीटर होता है, या तो सीधा 1.5 मीटर ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इसके क्योंकि 90 सेंटीमीटर है, इसके भी सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे। तो 1 मीटर में मैंने बोला 100 सेंटीमीटर, अब 50 ही हो गए, 150। तो इसका मतलब ये हो गया 90/150। इसका क्या बताना है, प्रतिशत। तो गुणा 100 नीचे वाला 100 कहाँ चला गया, इसका प्रतिशत का निशान बन गया। अब इसको हम काट सकते हैं, ये 0 से 0 कटा, 15 कम 15 15 96 हो गया ना, नीचे खत्म हो गया, तो 10 6 7, तो इसका मतलब ये 7% आरोही क्रम में लिखूं। आरोही क्रम किसको बोलते हैं, बढ़ता क्रम, मतलब पहले सबसे छोटा लिखेंगे। अब ये 3/10 है, 1/3 है, 2/5 है, 5/6। तो इसमें तो सरल तब होता है जब या तो अंश बराबर हो, या ना अंश बराबर है ना हर बराबर। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ऊपर वाले से। तो इसका मतलब दशमलव में बदलना है, तो यहाँ हम 10 का भाग दे देंगे 3 में, और यहाँ देंगे 3 का भाग 1 में, यहाँ दे देंगे 5 का भाग 2 में, और लास्ट में देंगे 6 का भाग 5। तो इसमें देखो दशमलव को एक ही बार दो पहले, और यहाँ 0 बड़ा, तो 10 3 ये तो खत्म ही हो गया। यहाँ भी हमने क्या किया, 10 का 0, 3 3 9, अब एक ही बार दिया, यहाँ 10 यहाँ 0, 5 20, ये भी पूरा हो गया खत्म। अब यहाँ 10 यहाँ 0, तो 6 8 48। अब 10 में देखो सबसे, क्योंकि आरोही क्रम में सबसे छोटा देखना है, अब यहाँ भी 10 3 है, यहाँ 10 3 है, लेकिन यहाँ देखो ये तो खत्म हो गया, इसका मान केवल 10 3 है। अब यहाँ देखो यहाँ घटा के 1 बच रहा है, तो यहाँ हम एक बार 0 बढ़ाएंगे, तो फिर 10 3 और आ जाएगी, 3 3 9,
तो इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो सबसे छोटी बिल्ली क्या हो जाएगी? 3/10 नहीं मतलब 1/3 सबसे छोटी बिल्ली क्या हो जाएगी? 1/3 तब ये हो जाएगा। अच्छा हाँ 10 का भाग दिया था हमने 3 में, सॉरी हाँ, तो सबसे छोटी बिल्ली हो गई 3/10। ठीक है ना, पहला वाला 1/3 ये थी दूसरे नंबर की, अब ये 10.4 वाली है तो ये 2/5 2/5 अब सबसे बड़ी हो जाएगी 5/6 तो कौन सा है 3/10? ये ए वाला है ना, ये ए वाला उत्तर बिल्कुल सही है। 510 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला जहाज 3 घंटे 30 मिनट में कितना जाएगा? मतलब ये 3 घंटे 30 मिनट है, ये घंटा ये मिनट है, तो क्योंकि प्रति घंटा चाल है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, 1 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में जा रहा है 510, तो 3.5 घंटा है। तो आप चाहो तो इसको करने के कई तरीके हैं, पहले 3 घंटे का निकालो, 3 0 का 0 3 1 3 और 3 5 15 तो 3 घंटे में कितना जा रहा है। अब 30 मिनट में कितना जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में इतना जा रहा है, तो इसको आधा कर दो, आधा मतलब क्योंकि 30 मिनट 1 घंटे का आधा होता है, आधा करने के लिए हम 2 का भाग देंगे कि नहीं, 510 में 2 का भाग दो तो 2 2 4 1 11 2 5 10 फिर 1 5 10 2 5 10 यानी 255 जाएगी, तो इसमें 255 जोड़ दो, नहीं जोड़ेंगे 5 3 8 7 1 तो 1785 किलोमीटर जाएगा। दूसरा सब तरीका ये है जो सही तरीका है, क्योंकि 3.5 घंटे को हम भिन्न में लिख देंगे, तो 3.5 घंटा होता है 3 से 1/2 ऐसे तो होता है 3.5, तो इसको हम ऐसे बदल सकते हैं, विषम भिन्न में 3 2 6 1 7 7/2 तो क्योंकि अब ये हमने ज्ञात करना है दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय होता है ना, तो दूरी ज्ञात करने के लिए चाल हो गई 510 गुणा 7/2 तो 2 से काटो 2 2 4 1 5 11 2 5 10 फिर 1 5 10 और 2 10 अब इसको गुणा कर दो, देखो 7 से 7 5 35 का 5 7 5 35 का 3 38 3 और 7 2 14 3 17 1785 पहले भी इतना गया था जी। इतना किलोमीटर जाएगा जी। एक समद्विबाहु त्रिभुज का 1 और 52 डिग्री है तो दूसरा कोण, देखो ये देखो लिखने में गड़बड़, एक कोण है बेटा जी। ये भी एक कोण है जी। इसको सही करना, उसमें पेपर में मिस्टेक छपा हुआ है, मैं बोल के लिखता हूँ इसलिए गलत हो जाता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये और ये भुजा बराबर है, ये भुजा तो ये इसमें एक खासियत होती है, इसके सामने के कोण बराबर होता है, इसके सामने का कोण ये और ये बराबर है, ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का 1 कोण 52 डिग्री है तो दूसरा कोण होगा, तो बेटा अगर 1 कोण 52 डिग्री है तो कोई एक कोण मान लो ये 52 डिग्री है, हमने थोड़ी देर अभी ये पता नहीं चढ़ा है कौन सा कोण है 52 डिग्री का, तो तीनों कोण कितना होता है 180 होते हैं, 180 में से 52 घटा दो तो कितना बचा, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 7 में से 5 गया 2 1 128 तो इसका मतलब ये दोनों कोण 128 डिग्री होंगे, तो 128 का दोनों बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर, तो 2 का भाग देंगे 2 6 12 8 2 8 तो 64 डिग्री होगा, 64 डिग्री तो इसका मतलब इसमें 64 डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो 52 डिग्री का कोण है, थोड़ा दिमाग लगाना है, ये वाला कोण 52 डिग्री है, तो ये भी 52 डिग्री होगा, तो तब ऊपर का हम ज्ञात कर सकते हैं, तो 52 और 52 कितना होगा 4 104 हो गए। अब तीनों कोण मैंने बोला 180 अंश के होते हैं, तो 180 में से 104 को हम घटा देंगे, 10 में से 4 गए 6 तो 76 डिग्री बचे,
तो ये थोड़ा दिमाग लगाना है, अगर उसने ऊपर वाला कोण दिया होता तो उत्तर यहाँ मैच करता, तो इसका मतलब उसका नीचे वाला एक कोण जो है 52 डिग्री नीचे का है, तो दूसरा भी 52 डिग्री है, तो जो दो कोण आगे तो तीसरा कोण मालूम कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज माने द्विबाहु, दो भुजाएं बराबर, तो दो कोण भी बराबर। जो समबाहु होता है तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, तो उसके तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। अब ये देखो 40 से 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग होगा, तो 40 के 60 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं, पहले तो 41 होता है और 43, उसके बाद 45 तो होते नहीं है लेकिन 47 होती है, और 47 के बाद 49 भी नहीं होती, 51 भी नहीं होती, 51 होता है कि नहीं, 53 होती है, देखो 53 में 5 3 8 में किसी का भाग नहीं जाता, फिर 55 तो 57 में भी जाता, 19 3 57 होता है, अब 59 होती है भाई, 59 इसमें किसी का भाग नहीं जाता, तो इसका योग बताना है, 9 और 3 12 और 7 19 3 22 और 1 23 का 3 2 5 5 10 2 12 4 16 4 20 4 24 देखो ये आया कि नहीं, गलत तो नहीं हुआ, 243 जी देख लेना जोर से, ही गलत भी हो सकता है जरा जल्दी जल्दी में, ठीक है ना, एक बार देख लेना चेक करके, ये 256 2.56 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो क्योंकि जब दशमलव होते हैं और वर्गमूल तो आपने चक्रा मत जाना, इसका ये ध्यान रखना, इसका दशमलव हटा के ही वर्गमूल निकलता है, और ये ध्यान रखना कि जब उत्तर आएगा तो यहाँ दो अंकों के पीछे दशमलव है, तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वहाँ एक अंक के पीछे दशमलव, अगर 4 अंकों के पीछे होगा दशमलव तो वहाँ 2 अंकों के पीछे होगा, तो हम क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे 256, किस विधि से निकाले, जोड़ा बना करके किसी अभाज्य गुणनखंड से, तो जोड़ा बनाएंगे तो आगे से बनते हैं जोड़ा इसका, और एक ही सिंगल छोड़ के, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं पहले 2 में ही देंगे, तो एक को एक बार, तो ये एक फिर यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, अब यहाँ एक, अब ये 56 उतर जाएगा, अब अगर हम यहाँ एक दबा देंगे तो यहाँ एक लिखेंगे तो ये को एक मैच नहीं हो रहा है, फिर 2 लिखेंगे तो 2 2 4 मैच नहीं कर रहा है, 3 3 9 मैच नहीं कर रहा है, 4 4 16 देखो मैच कर रहा है, 16 का 6 लेकिन फिर देखो 4 2 8 1 9 9 156 नहीं हो रहा है, 5 5 25 मैच नहीं कर रहा है, अब 6 6 36 देखो ये मैच करेगा, 6 6 36 का 6 हासिल 3 अच्छा 2 12 3 15 तो मतलब जो एलसीएम आया 16 आया, तो इसका मतलब मैंने बोला था यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव है तो यहाँ 1.6 हो जाएगा, एलसीएम सॉरी इसका जो वर्गमूल स्क्वायर रूट होगा 1.6, तो हमने ये याद रखना है कि अगर दशमलव वाला वर्गमूल कहीं पूछ रखा है तो उसका दशमलव हटा करके वर्गमूल निकालना है, तब दशमलव के बाद 1 रखना है, ठीक है ना। रमेश ने रुपए 1250 की पतलून 8% की छूट पर खरीदी, उसने कितने में खरीदी, अगर आप बाजार जाते हैं उस किताब पतलून पैंटेड खरीदी उसपे 1250 रुपए कीमत लिखा है, तुमने बोला नहीं लाला जी कुछ डिस्काउंट दो, तो लाला जी ने बोला मैं 8% डिस्काउंट दूंगा, तो कितने रुपए दोगे, तो हम हिसाब लगाएंगे पहले 8% निकालेंगे, तो 8% निकालने के लिए 1250 का 8% मैंने 8 का मतलब 8/100, ये 0 तो कट गया, अब देखो 5 से कटेगा क्योंकि इसकी इकाई में 5 है, तो 5 × 10 और 5 × 10 12 है 2 × 25 हो, तो 5 × 25 2 + 2 2 × 8 25 × 100 इसका मतलब 100 रुपए का छूट देगा भाई वो, तो एक 1250 में से 1250 में से 100 रुपए कम कर देगा लाला जाए, ठीक है ना, तो हमको कितने भी देगा 1150 रुपए। एक आयत का परिमाप 54 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 12 मीटर, तो क्षेत्रफल बताना है, तो देखो ये आयत है, परिमाप बोलते हैं चारों भुजाओं की योग, लेकिन इसमें चौड़ाई दे रखी है 12 मीटर, इसका मतलब ये भी 12 मीटर है, तो इसका मतलब हम दो ये जो इस 54 मीटर में 2 चौड़ाइयां हैं और 2 लंबाइयां, तो इसका मतलब हम पहले इसमें 2 चौड़ाइयां कटा देंगे 54 में से, हम क्या करेंगे तो 2 चौड़ाइयां कितनी होगी 12 12 24, तो 24 कम कर दो
जीरो तीन, तो तीस बचा, तो तीस मतलब इसमें तीस में दोनों लंबाई आ गई, तो तीस में दोनों लंबाई, तो एक लंबाई के लिए हम दो इससे करेंगे कि नहीं करेंगे, दो एक कम दो और ये दस हुआ, दो पंजे दस, तो इसका मतलब जो इसकी लंबाई आई पंद्रह आई, तभी तो इसका पंद्रह पार जोड़ के कितना हुआ, पंद्रह दस पच्चीस सत्ताईस और सत्ताईस दो चौवन, चौवन इसका परिमाप हो गया। अब क्षेत्रफल बताना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वेरी गुड, तो पंद्रह गुणा बारह होगा, तो बारह पंजे साठ, असल छह बारह कम बारह छह आठ, तो एक सौ अस्सी मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कहते हैं, वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग मीटर में। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात पांच, एक बहुत ही गजब क्वेश्चन है। ये देखो इसमें कोण है, इसका कोण है दो, तो इसका हम दो एक्स मान लेंगे, ये तीन अनुपात है तो ये तीन एक्स होगा, और ये पांच का है तो पांच एक्स, तो हमको पता है कि तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो हम इसको जोड़ देंगे, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना होना चाहिए 180, तो कितने x हो गए इन तीनों को जोड़ के, पांच और तीन आठ और दो दस, तो 10x हो गया भाई, 10x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 10, तो ये तो जीरो जीरो कट गया, नीचे एक आई खत्म, x बराबर 18 हो गया भाई, x का मान कितना आ गया 18, इसका मतलब 18 का गुणा करेंगे सबसे, तो ये 2x है तो 18 गुणा 36, ये 3x है तो 18 होती है 54, और ये 5x है तो 18, समझ में आया कि नहीं, तो हमने क्या बताना था इसमें, सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण तो 36 होगा, नहीं समझे, 2x है तो 2x मानी x का मान 18 है तो x 18 गुणा 2 होगा कि नहीं, 36 डिग्री हो जाएगा सबसे छोटा कोण। महेश पांच घड़ियां 1200 प्रति घड़ी की दर से खरीदता है, महेश क्या करता है, पांच घड़ियों को खरीदता है 1200 रुपए प्रति घड़ी, 1380 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत बताना, तो पहले हम क्या करेंगे, लाभ या हानि ज्ञात करेंगे, तो पहले तो हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे ना, क्योंकि ये प्रति घड़ी है, इसका मतलब एक घड़ी 1200 की, तो पांच घड़ियां कितने की होंगी भाई, इसको गुणा पांच करेंगे तो 12 5 60 और 2 0 तो 6000 की खरीदी, अब बेची उसने एक घड़ी 1380 की, तो पांच घड़ी कितने की बेची, 5 0 का 0 5 8 40 का 0 हासिल 4 5 3 15 4 19 1 5 कम 5 6 तो 6900 की बेची भाई, तो 6000 में खरीदी 6900 की बेची, तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ बराबर क्या कर देते हम, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, घटा देंगे नहीं, क्योंकि हमने 6000 में खरीदी तो 6900 में बेची, तो हमें ठीक 900 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या किया था, लाभ प्रतिशत बराबर मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया, क्या बताया, लाभ गुणा 100, वेरी गुड, तो 900 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना था 6000, तो देखो 6000 की तो हम 3 जीरो काट देंगे, और इसके बदले ऊपर के 3 जीरो काट देंगे जी, और 6 से 90 काटो तो 6 कम 6 6 कम 6, अब यहां कितना बचा 3 3 सौ 6 बने 3, अब देखो नीचे तो 1 आ गया, यहां भी कुछ 1 है तो 15 कम 15, इसका मतलब 15% का लाभ, ठीक है। पांच बच्चों की औसत उम्र 13 वर्ष है, अब यहाँ पे देखो बच्चे हैं पांच, औसत उम्र का मतलब एक बच्चे की 13 वर्ष, दूसरे की भी 13, तीसरे की भी 13, चौथे की भी 13, समान करने पर औसत करने पर 13, तो इसका मतलब कुल उम्र कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 13 गुणा 5, इसका मतलब 65 वर्ष हो गएगा, ये पहले ही कर दो इसको। एक और बच्चा सम्मिलित हो जाने पर औसत उम्र 12 हो गई, अब एक बच्चा और आ गया बेटा जी, तो इसका मतलब बच्चों की संख्या अब 6 हो गई भाई, अब उम्र हो गई 12, तो हम इसकी भी कुल उम्र ज्ञात कर लेंगे, अब कितनी होगी, तो 12 छक्के 72 हो गए, यानी पहले पांच बच्चों की टोटल उम्र 65 वर्ष थी, अब 6 बच्चों की टोटल उम्र 72 वर्ष है, तो जो नया बच्चा है वो कितने साल का था,
तो कैसे क्या ऐड करेंगे? 12 में से 65 घटा देंगे, तो 12 में से 7 तो इसका मतलब ये 7 बस का। अब देखो तो ये तो यहाँ तो गलत लिखा हुआ है, तो इसमें 7 वर्ष होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 7 वर्ष। इसमें जल्दीबाजी में गलत हो गया टाइप, मैंने जल्दी में प्रश्न बनाया, इसलिए उम्र इसकी, क्योंकि सीधा सीधा लगाओ, क्योंकि आप 5 बच्चों की औसत उम्र 13 वर्ष है, तो 13×5=65 टोटल उम्र। और यहाँ जो है 12 बच्चे, एक बच्चा और आ गया, यानी बच्चे की संख्या हो गई 6, और अब औसत उम्र हो गई 12, यानी 12×6=72, तो 72 में से 65 गया, तो 65 और 7 72 ही होते हैं, 7 ही साल होगा, ठीक है ना, तो 7 वर्ष होगा। देखिए प्रश्न है, मोहन ने 150 में से 75 अंक प्राप्त किए, रवि ने 500 में से 340 अंक प्राप्त किए, किसके अंक अच्छे हैं? तो बता सकते हैं किसके अंक अच्छे हैं? 900। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि पूर्णांक अलग अलग है, इसके अंक कम कम है, लेकिन कभी में से तो लाए 50 में से, इसके ज्यादा है लेकिन ये 500 में से लाए, तो हम बता ही नहीं सकते कि किसके अंक अच्छे हैं किसके खराब अंक खराब है। तो इसके लिए क्या तरीका होता है? हम दोनों का प्रतिशत निकालते हैं, पहले एक का, पहले हम किसका निकालेंगे? मोहन मोहन का। तो कैसे निकालते हैं प्रतिशत? 75/100 जो नीचे का गुणा 100 है वो कहाँ चला गया? प्रतिशत में, तो चला गया इधर। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कट, 15 कम 15 15 5 75, अभी 10 है तो 10×50, इसका मतलब इसके 50% अंक आए, 50% मतलब अगर 100 नंबर का पेपर होता तो 50 नंबर लाता। इसके अंक देखेंगे, अभी किस चीज का नाम है? रवि, तो रवि के अभी प्रतिशत निकालने के लिए 340 को ऊपर लिखेंगे और 500 लिखेंगे नीचे, और गुणा 100, और जो नीचे वाला गुणा 100 है वो मैंने सीधा यहाँ ले गया, प्रतिशत वो मैंने लिखा ही नहीं, ये 2 जीरो काट दो। अब देखो 5×5=30 40 5×8=40, यानी 68% नंबर लाए। तो ज्यादा अंक कौन लाया? रवि, ठीक है। एक रेलगाड़ी की चाल 22.5 मीटर प्रति सेकंड है, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, ये बताना आप। तो देखो मीटर प्रति सेकंड चाल दे रखी है 22.5, तो इसका किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कितने से इसको गुणा करते हैं? 18/5, ठीक है ना, और 5×5 5×20 2×25 हुआ, लेकिन यहाँ 10 आ गया तो पहले 10 उतरेगा, और 5×5=25, अब इसको 18 से गुणा कर दो, 18×5=90, 9×18=72, अब 72 और 9=81, अब यहाँ देखो एक अंक के पीछे 10 है तो एक अंक के पीछे 10, ये तो कट गया, तो इसकी जो चाल होगी 81 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 84 आदमियों के लिए 65 दिनों का राशन है, कितने आदमी वहां से चले जाएं कि राशन 78 दिन चले? देखो कहीं पे ये गलत छपा हुआ है, तो ये मैंने बोल के लिखा है इसलिए गलत छप गया। देखो भाई ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इसको तो है, मैं बताता हूं कैसे करना है। 84 आदमियों के लिए राशन है 65 दिन का, अब राशन चलना चाहिए 78 दिन, तो इसमें वही फॉर्मूला लागू होगा, यहाँ हम लिखेंगे आदमी और यहाँ लिखेंगे दिन, तो पहले कितने आदमी थे? 84 आदमी, कितने दिन चल रहा है राशन? 65, अब राशन चलना चाहिए 78 दिन, तो पहले हम क्या पता करेंगे कितने आदमी 78 दिन में खाएंगे, तो यहाँ तो एक्स की तरफ टी लगेगा। अब इसमें भी ठीक उल्टा संबंध होता है, मैंने बताया था केवल दो चीजों का संबंध उल्टा होता है, एक काम और दिन का, क्योंकि जब सॉरी आदमी और दिन का, जब आदमी बढ़ते हैं तो दिन कम हो जाता है, तो यहाँ भी क्या होता है जब आदमी बढ़ेंगे तो यहाँ देखो दिन बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आदमी घटेंगे। भाई अगर दो आदमियों के लिए 2 दिन का राशन है, एक ही आदमी खाएगा तो 4 दिन चलेगा राशन, तो यहाँ मतलब आदमी घटेंगे तो दिन बढ़ते हैं, तो राशन के दिन, तो यहाँ भी उल्टा संबंध होता है, तो यहाँ नीचे यहाँ संबंध उल्टा होगा, सॉरी ऊपर का होगा, तीर कहाँ लगेगा? जब यहाँ एक्स की तरफ लगेगा तो यहाँ उल्टा लगेगा, क्योंकि यहाँ दिन जो है पढ़ रहे हैं तो यहाँ आदमी घट जाएंगे, तो यहाँ तीर लगाने का मतलब क्या होता है कि x बटे
84 जिस बराबर इधर 3 ऊपर है तो 65 बटे तो x बराबर क्या हो जाएगा 65 बटे 78 अब गुणा 84 यहाँ चला जाएगा। अब देखो किससे कट रहा है 78 में 84 4 से कट रहा है नहीं कट रहा 2 से कट रहा है 2 3 6 2 9 18 ये तो गलत हो गया भाई 2 2 9 2 6 8 2 4 39 अब कोई कट ही नहीं रहा 9 3 12 मतलब अच्छा 3 से कट रहा है 3 3 3 3 9 और 3 1 3 12 हाँ 3 1 3 3 6 12 13 13 13 5 65 अभी 14 5 70 तो इसको जरा ढंग से करना घर में ठीक है ना थोड़ा काटने में जरा कठिन सा हो रहा है तो इसको मतलब 70 लोगों के लिए चाहिए भाई 70 लोग खाएंगे 78 दिन में तो कितने कम कर दिए जाए तो पहले 84 थे अब 70 खा रहे हैं तो इसका मतलब 84 में से 70 घटा दो तो इसका मतलब 14 लोग 14 आदमी कम करने पड़ेंगे तब राशन जो है 78 दिन चलेगा। कुछ समझ में आया थोड़ा कठिन था लेकिन इतना कठिन भी नहीं था। इसके केवल 20 प्रश्न थे अब थोड़ा हिंदी के क्वेश्चन करेंगे हम तो ये तो राजीव नवोदय में भी आएंगे जरूर और उसमें तो ऐसे ही पूछे जाते हैं हिम ज्योति में जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम क्या कहते हैं अशुद्ध शब्द है। देखो तो ये विश्वास अशुद्ध है कि वसुंधरा है कि परिश्रम है कि हृदय है हाँ हृदय में ऐसा होता है भाई और फिर रो ऐसा होता है तो हृदय अशुद्ध है परिश्रम सही है वसुंधरा भी सही है विश्वास है। ये देखो अभी बहुत अच्छा मुहावरा आ गया गड़े मुर्दे उखाड़ना इसका क्या अर्थ है पुरानी बातें बहुत बढ़िया मोहिनी पूजा के लिए फूल लाती है तो देखो यहाँ पे मेन शब्द है के लिए तो कौन सा कारक होगा इसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान लिए तो संप्रदान कारक होगा भाई समझ लो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान कारक। शब्द संस्कृत में कौन सा लिंग है पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग इनमें से कोई नहीं देखो संस्कृत है तो क्योंकि ये हिंदी का पेपर है तो हिंदी में तो दो ही लिंग होते हैं एक पुलिंग और एक स्त्रीलिंग मतलब इन्हीं के आधार पे हम वाक्य निर्माण करते हैं। अब हम लिंग पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका है इस पे वाक्य बनाओ तो संस्कृत अच्छी भाषा है तो अच्छी आया तो स्त्रीलिंग तो भाषाएं जितनी भी होती हैं वो सब स्त्रीलिंग होती हैं। हिंदी अच्छी भाषा है उर्दू अच्छी भाषा है या जो भी तुम बोलना चाहो ठीक है ना। कक्षा में कौन सी संज्ञा है तो देखो बेटा संज्ञा जो मेन में तो ये तो जरूर पूछा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा तो वो होती है जो किसी व्यक्ति का नाम होता है या किसी विशेष चीज का नाम जैसे पर्वतों में हिमालय गाय में कामधेनु नदियों में गंगा यमुना कुछ भी नाम हो सकता है जो तुम तो नाम और जो पूरी जाति का बोध कराते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली आदमी लड़का ये तो जातिवाचक संज्ञा होती है। और कक्षा कौन से होती है समूह वाचक जहाँ पे ज्यादा लोग एक साथ बैठते हैं सेना है कक्षा है पुलिस है समूह वाचक अणा किस वर्ग का वर्ण है राजीव नवोदय में तो हर साल पूछे जाते हैं तो देखो क वर्ग में तो आता नहीं क वर्ग में आता है क क क क तो ये ट वर्ग में आता है दीर्घ स्वर नहीं है तो एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर तो ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो जल्दी बोले जाते हैं जैसे अ ई उ ठीक है ना री ये ह्रस्व स्वर है अब जो दीर्घ स्वर है तो जैसे आ ई उ ये दीर्घ स्वर है तो इसका मतलब जो दीर्घ स्वर नहीं है वो अ है अ जो है ह्रस्व स्वर जो जल्दी बोला जाता है
ज्यादा कठिन नहीं है, वो जिनका उच्चारण थोड़ा देर तक होता है वो दीर्घ स्वर, अब बाकी ये चारों हास्य स्वर है, बाकी सारे दीर्घ स्वर। कोई कठिन है? निवाह का तत्सम रूप क्या होगा? निर्वाह होगा, मेरा निवाह न होगा। आपने उस पाठ में पढ़ा होगा पंच परमेश्वर में, कमल का पर्यायवाची नहीं है। आप लोगों को मैंने लिखाए थे पर्यायवाची, तो जलज है कि नहीं है? क्योंकि ये जल में पैदा होता है इसलिए इसका नाम जलज है। सरोज भी कहते हैं इसी को, अब वारिज कहते हैं कि नहीं कहते? वारिज भी कहते हैं, पीयूष नहीं कहते? पीयूष किसको कहते हैं? अमृत। तो कमल का पर्यायवाची पीयूष नहीं होगा। अरुण के दो अर्थ होते हैं, एक कह रहा है समुद्र और सूर्य, पानी और सूर्य, लाल और सूर्य, सूर्य और चंद्रमा, बताओ अरुण के दो अर्थ। तो अरुण एक तो सूर्य को कहते हैं, वैसे जो सूरज से पहले जो उजाला होता है ना सुबह, जब सूरज का उसको अरुणोदय कहते हैं। तो अरुणोदय वैसे अरुण माना जाता है सूरज का सारथी, ठीक है ना? तो उधर कहाँ देखा, तो जब सूरज का, तो इसलिए सूरज को भी कहीं कहीं पे अरुण कहा गया है। अब पानी को तो अरुण कहते हैं, ठीक है ना? तो सूरज और पानी दोनों अर्थ। जो किसी विषय का जानकार हो तो विषय ज्ञानी, विषय विशेष, विद्वान, विशेषज्ञ। बोलो, विशेषज्ञ कहते हैं। जो जो किसी विषय का जानकार होता है उसे कहते हैं विशेषज्ञ। जैसे जो डॉक्टर है तो विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, जो बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है ना, हड्डी रोग विशेषज्ञ, क्योंकि वो हड्डी रोग के बारे में जानते हैं। तो जो किसी विषय का जानकार होता है उसे विशेषज्ञ। मेरा कुछ खो गया, कुछ में कौन सा सर्वनाम होगा बताओ? देखो सर्वनाम कुछ कौन, ये भी सर्वनाम शब्द है। तो मेरा कुछ खो गया मतलब कुछ तो खोया है, कोई कुछ किसी संज्ञा के बदले आया नहीं है कुछ शब्द, तो निजवाचक तो नहीं होता। निजवाचक वही होता जैसे अपने आप, स्वयं, ठीक है ना? और निश्चयवाचक भी नहीं होता है, जहां पे कोई निश्चित हो वहां पे निश्चयवाचक होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ है तो ये अनिश्चयवाचक। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग से काम लगा, अगर आप हमको याद में नहीं रहता तो कुछ का मतलब ये निश्चित नहीं है, ये तो कुछ है, थोड़ा है, बहुत है, तो जो ये शब्द होता है वो अनिश्चयवाचक होता है। मीरा सुंदर लड़की है, सुंदर में विशेषण है। देखो ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, पहले तो ये देखो कि विशेषण इसमें सुंदर है जी। क्योंकि सुंदर लड़की की विशेषता बता रहा है जी। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण। अब इसमें कौन सा विशेषण है? तो क्योंकि इसका गुण बता रहा है जी। क्या बता रहा है? जो किसी का गुण बताता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। जो भी शब्द किसी का गुण, दोष, रंग, रूप बताता है वो सब गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना? सुमन महेश के साथ जंगल गई, सुमन महेश के साथ जंगल गई उस वाक्य में करता है, तो करता वो होता है जो काम करता है। तो जा कौन रही है? सुमन जा रही है। किसके साथ जा रही है? महेश के साथ। तो करता कौन होगा? सुमन, ठीक है ना भाई? करता मतलब जो काम करने वाला होता है। रमेश अचानक आ गया, इस वाक्य में अचानक है, बहुत अच्छा है भाई। अचानक आ गया, अचानक क्या है? विशेषण है कि क्रिया? विशेषण है कि सर्वनाम है कि क्रिया है? देखो क्रिया वो होती है जो एक्शन शब्द जो काम का करना बताता है, अचानक कोई काम थोड़ी होता है, वो तो आना है। क्रिया क्या है इसमें? आ गया, आ गया है ना क्रिया जी। और सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के बदले आता है, अचानक संज्ञा के बदले भी नहीं आ रहे। अब बचे विशेषण या क्रिया विशेषण। तो विशेषण वो होता है जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो अचानक जो रमेश की विशेषता नहीं, रमेश के बारे में नहीं कह रहा है, अचानक जो आने के लिए कह रहा है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो क्रिया के बारे में कुछ कहता है वो होता है क्रिया विशेषता, ठीक है ना? घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है ना? चिड़िया धीरे उड़ती है, मोटरसाइकिल धीरे चलती है। तो जो चलने की विशेषता वो धीरे बता रहा है, यहाँ जो है आने की विशेषता अचानक बता रहा है, आने के बारे में अचानक कह रहा है, तो ये क्रिया विशेषण होगा, ये ध्यान रखना है। किस समय पर
उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग पहले लगता है कि बाद में? पहले बताओ, पहले लगता है। तो देखो पराधीन पे उपसर्ग है कि नहीं? जो पराधीन का संधि विच्छेद होता है वो होता है परधन अधीन, अधीन मतलब जो दूसरे के अधीन होता है। तो इस पे जो वो लगा है उपसर्ग उपर है परलोक, तो ये भी परधन लोक है, मतलब दूसरा लोक। लोक अलग शब्द है, पर अलग है। अब प्रवेश में देखो इसमें नहीं है, ये एक ही शब्द है प्रवेश, ये दो शब्दों से मिलके नहीं बना है, जबकि पर हित भी बना है। हित अलग है अब पर अलग है। पर माने दूसरे की भलाई जब हम कहते हैं तो पर ही पर धन हित। इन तीनों पे पर उपसर्ग लगा है लेकिन प्रवेश पे नहीं लगा। तो ये आपको पहचान करना आना चाहिए। दिखावा में प्रत्यय है, प्रत्यय देखे बाद में लगता है, तो दिखावा, तो दिखावा में क्या होगा? हाँ तो क्योंकि देखो दिख, दिख अलग शब्द है, आवा अलग है, तो दिख, दिख में आवा लगा तो दिखावा, क्योंकि दिखा नहीं है अलग, दिख आवा कि दिखा वा दिखावा। तो जो मूल शब्द है वो दिख है, ठीक है ना, दिखा नहीं है मूल शब्द, इसमें आवा प्रत्यय लगा है। तिरंगा में कौन सा समास है? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो समासों से कम पूछे जा सकते हैं पर फिर भी कभी कभी तो पूछे जाते हैं। तत्पुरुष समास समास है कि कर्मधारय है कि द्विगु है कि द्वंद्व है? द्वंद्व समास मैंने कल बताया था, जिसके जैसे माता पिता, दिन रात, लाभ हानि, ये तो द्वंद्व समास होता है। ठीक, तो देखो इसमें तिरंगा शब्द आया है। देख मैं सच बताऊं तो समास ज्यादा मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन ये तिरंगा वाला इसलिए याद रहता है कि जो द्विगु समास होता है ना, इसका जो पहला वर्ण है वो संख्यावाचक होता है। जैसे तिरंगा तो तीन, मतलब तीन रंग का है ना, इसलिए तिरंगा है। तो जो संख्यावाचक जैसे पंचतंत्र है, त्रिवेणी है, पंचवटी है, शताब्दी है, तो ये सब द्विगु समास होते हैं। तो इतना आप याद रखना, ज्यादा नहीं रखोगे तो द्विगु समास में जो पहला अक्षर वो गिनती बता दे, ठीक है ना, तो ये द्विगु समास। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों की सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है वो रेड क्लिफ लाइन है। अब भारत और चीन के बीच की लाइन है वो जो मैकमोहन रेखा है, ठीक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत पाकिस्तान के बीच है। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को मतलब इनका सहयोग मत करो, इनका असहयोग करो, तो ये महात्मा गांधी जी ने चलाया था। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? वेरी गुड, उत्तर प्रदेश की है। ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है खेल के लिए, फिल्म के क्षेत्र में, शांति के लिए, साहित्य के लिए? तो ऑस्कर नहीं, ऑस्कर अवार्ड जो है ना बहुत फेमस अवार्ड है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। जो सबसे अच्छी फिल्में होती हैं, जो सबसे अच्छा एक्टर होता है, उन सबको ये अवार्ड वितरित किया जाता है, ऑस्कर अवार्ड, ठीक है ना, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बताओ? कल बात बताया था मैंने, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? भारतीय खोज, किताब का नाम है भारतीय खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? मैंने बताया था फुटबॉल में, बहुत पुराना कप है फुटबॉल। मनुष्य में कितने दांत दो बार आते हैं? 20 दांत होते हैं। आगे आगे के बच्चों के 20 दांत होते हैं जो टूटते हैं दोबारा आ जाते हैं, उसके बाद के जो दांत होते हैं वो बाद में अपने आप ही आते हैं, वो पहले टूटते नहीं होते, ठीक है ना। मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या तो 46 होते हैं, ठीक है ना, कहीं पे 23 जोड़े भी लिखा होता है, तो यहाँ पे 23 की जगह अगर जोड़े लिखा होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे 23 लिखा है तो इसलिए इसका आंसर होगा 46। जिन बीजों को वायु द्वारा बिखेरा जाता है वह, तो बीजों का प्रकीर्णन होता है ना, कुछ बीज वायु अपने आप उड़ा के ले जाते हैं और पौधे दूसरी जगह जम जाते हैं, कुछ बीज जो हमें जरूरत होते हैं हम अपने हाथ से बोते हैं वहां पौधे होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कांटेदार होते हैं पशुओं पे चिपक करके दूसरी जगह जाते हैं, कुछ बीज जो है चिड़िया ले जाती है, जैसे पीपल के बीज है चिड़िया मुंह में खाते हो, इसलिए पीपल कहाँ जमता है? मकानों के ऊपर जमा रहता है कि नहीं, पेड़ों के ऊपर जमा रहता है,
तो उसी तरह से कुछ बीज जो हवा ले जाते हैं वो बीज कैसे होते हैं, गहरे रंग के होते हैं कि वजन में हल्के होते हैं, कि आकार में गोल होते हैं, कि बड़े और भारी होते हैं? वजन में हल्के। हाँ, वायु के द्वारा वही बीज ले जाए जाएंगे जो वजन में हल्के हों। वायु में सर्वाधिक गैस होती है, सबसे अधिक क्या होता है वायु में? हीलियम नहीं होती, हीलियम गैस तो बहुत हल्की होती है, सबसे अधिक होता है वायु में नाइट्रोजन, 78% गैस होती है। उसके बाद दूसरा नंबर ऑक्सीजन का 21%, ये 21% होती है। तो याद रखना है सबसे ज्यादा जो हवा में गैस होती है वो नाइट्रोजन। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ को बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न, तो शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक होता है फास्फोरस, जस्ता, लोहा, कैल्शियम, आयरन होता है सबसे अधिक, ठीक है ना। कौन सा शक्ति का साधन परंपरागत नहीं है? देखो शक्ति के साधन है जिनसे हमारे एनर्जी तो हम लेते हैं, मतलब काम, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल की एनर्जी से गाड़ियां चल रही है, सूर्य की एनर्जी से तो सारी दुनिया चल रही है, पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, सूर्य की एनर्जी से हम देखो खाने पर पकाते हैं, सौर ऊर्जा से बल्ब भी जला सकते हैं। तो इस तरह से परंपरागत साधन जो नहीं है, परंपरागत साधन उनसे उन्हें कहते हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, जो एक बार समाप्त हो जाएंगे। तो जैसे कोयला, देखो कोयला भी शक्ति का साधन है, कोयले से पहले रेलगाड़ी चलती थी, आज कोयले से बिजली भी बनाई जाती है और कोयले से जो है खाना भी पकता है, कई चीजें होती है ना। तो जो लेकिन कोयला जो है खानों से निकलता है, एक दिन कोयला जो है खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये परंपरागत साधन है। जो खनिज तेल है, खनिज तेल में पेट्रोल है, डीजल है, ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, ये भी परंपरागत साधन है। परमाणु ऊर्जा है, ये भी जो है समाप्त होने वाली ऊर्जा है। लेकिन जो पवन ऊर्जा है ये परंपरागत नहीं है, क्योंकि पवन ऊर्जा कभी समाप्त होगी नहीं। पवन, जब तक पवन चलती रहेगी तब तक पवन से तो बिजली के पंखे लगाए जाते हैं बड़े बड़े, और उससे बिजली बनते हैं भाई, हवा में पंखे, मतलब बड़े बड़े पोल लगा दे जहाँ तेज वायु चलती है ना, वो पंखे घूमते हैं, उससे बिजली बनती है। और पवन ऊर्जा से हम बल्ब जला सकते हैं, पंखे चला सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं। तो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये नवीन स्रोत है ऊर्जा। अब परंपरागत स्रोत हुए हैं जो समाप्त होने वाले, जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, बताओ? बुध। बुध है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में है, उड़ीसा में कोणार्क है, वहां पर सूर्य मंदिर स्थित है। झुमेलो लोक नृत्य है, उत्तराखंड का है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, कितने अंश झुकी है? देखो पृथ्वी नहीं 23.5 अंश झुकी, मतलब पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पे जो गोला है वो सीधी खड़ी नहीं, ये थोड़ा झुकी हुई है ऐसा, ठीक है ना। तुम ग्लोब देखो तो देखो थोड़ा झुका हुआ लगता है। तो यहाँ पे जो झुका इसका सीधा खड़ा यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 23.5 डिग्री झुकी है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 में से हम 23.5 डिग्री घटा देंगे भाई, 23.5 में 10.5 तो यहाँ 0, तो यहाँ 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 9 में से 3 गए 6, और यहाँ 8 में से 2 गए 6, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है भाई, क्योंकि इसको यहाँ 90 डिग्री पे खड़ा होना चाहिए था, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना था, लेकिन ये थोड़ा झुकी हुई है इसलिए इसका जो कोण बन रहा है वो 66.5 डिग्री का बन रहा है, समझ रहा? क्योंकि ये 23.5 अंश झुकी है। तो बच्चों इस पेपर में मैंने केवल 60 प्रश्न ही कलेक्ट किए हैं, और ये बहुत अच्छे प्रश्न थे, आप लोगों के बहुत काम आएंगे। कैसा लगा ये पेपर? अच्छा। तो ओके करें, बाय करें।